आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। आप मेरे साथ देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात अपने देश की। तो इस बार जो बात अपने देश का हमारा जो चर्चा है वो चर्चा बड़ा गंभीर है, क्योंकि ये चर्चा का सरोकार दशकों पुराना है। दशकों पुराना इसलिए कहूँगा क्योंकि इस बार हमारे चर्चा का विषय जो है वो है बंगाल, पश्चिम बंगाल। वो पश्चिम बंगाल जो अपने रक्त रंजित इतिहास से हमेशा ही चर्चा में रहा है, और चर्चा इस तरह की कि वहाँ पर हिंसा की घटनाएँ अमूनन होती रहती हैं, और कोई भी सरकार वहाँ रही हो हिंसा की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है, और विपक्ष हमेशा सरकार पर एक आरोप लगाता रहा है कि आपकी सरकार में जंगल राज है और आपसे कानून व्यवस्था संभल नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें दोषी है कि जिस तरह से आप लगातार काम कर रहे हैं पर काम का कोई उचित प्रभाव भी नहीं दिख रहा है, और जिस तरह से हिंसा लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कमी ज़रूर है, क्योंकि अगर विपक्ष आपको कटघरे के घेरे में खड़ा कर रहा है तो उसके पीछे भी एक वजह है, और वजह क्या है वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जब विधानसभा चुनाव हुआ था 2021 का, 2 मई को इसका परिणाम आया, तो उसके बाद लगातार वहाँ हिंसा हुई थी और 250 से 250 लोगों की वहाँ पर मौत भी हो गई थी, और लगातार घर भी जलाए गए थे, दुकानें भी फूकी गई थी, और विपक्ष को पूरी तरह से, जो विपक्ष में जो पार्टी थी उसको पूरी तरह निशाना बनाया गया था, और जिसका परिणाम यह था कि उसकी जाँच बैठी, CBI जाँच भी की गई है और कई बड़े नाम इसमें शामिल रहे हैं, जांच रिपोर्ट भी आई है, मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है, यहाँ तक कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ही पहुँच गया कि ममता बनर्जी ने कहा कि उनको CBI जांच के बाद भरोसा नहीं है और निष्पक्ष जांच कराई जाए। और फिर बंगाल इस बार फिर चर्चा में है, चर्चा में इसलिए कि बंगाल के बूरभूम जिले जहाँ पर पहले भी एक बार हिंसा हो चुकी है चुनाव के परिणाम के बाद, इस बार फिर वहाँ पर हिंसा हुई है। हिंसा ऐसी हुई है कि वहाँ पर एक TMC नेता की हत्या हुई, उसके बाद वहाँ पर कई घरों में आग लगा दी गई, और जिसकी खामियाजा भुगतना पड़ा वहाँ के 8 मासूम लोगों को, जिसमें कि 2 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। देखिए मेरी रिपोर्ट। रक्त रंजित इतिहास का साक्षी पश्चिम बंगाल। यूं तो हमारे देश में 29 राज्य हैं, पर इन राज्यों में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो अलग अलग घटनाओं के माध्यम से चर्चा में बने रहते हैं। पर अगर चर्चा खुशी की हो तो एहसास सुखद होता है, पर अगर चर्चा रक्त रंजित दुख से भरी हिंसा से परिपूर्ण हो तो एहसास में केवल दर्द ही महसूस होगा। अमूमन देश में बड़ी आबादी के बीच आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं, पर कोई कोई राज्य ऐसे भी हैं जिनका इतिहास ही रक्त रंजित कालिमा से रंगा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं देश के उस राज्य की जहां बात तो शांति की होती है, पर दूषित राजनीति के कारण अब वो राज्य केवल हिंसा के कारण चर्चा में है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। इस राज्य में सूत्रों की रिपोर्ट्स के अनुसार साल 1977 से 2007 के बीच 28,000 राजनीतिक हत्याएं हुई, और ममता बनर्जी ने हमेशा लेफ्ट पर हिंसा करने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल जो कभी लेफ्ट का गढ़ रहा है और ममता बनर्जी हमेशा से लेफ्ट के खिलाफ आवाज उठाती रही हैं, पर जब से ममता बनर्जी खुद सरकार में आई हैं तब से पश्चिम बंगाल में हिंसा का आंकड़ा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनावों में हमेशा से हिंसा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सत्ता में आने से पहले ममता बनर्जी लेफ्ट पर हिंसा का आरोप लगाती रही थी। उसी हिंसा और भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया, और जब खुद वो सत्ता में आई तो उनके राज में हिंसा का आरोप लग रहा है। इस बार ये आरोप BJP लगा रही है। BJP का आरोप है कि तृणमूल के 10 साल के राज में BJP के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। इसी प्रकार की हिंसा का आरोप TMC BJP पर लगाती है। अगर हम पश्चिम बंगाल के बीते विधानसभा चुनाव के बाद की बात करें तो जैसे ही पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की जीत सुनिश्चित हुई, राज्य में हिंसा का दौर फिर से शुरू हो गया।
मतगणना वाले दिन न सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों पर हमले हुए और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों को जलाया गया, बल्कि एक कार्यकर्ता की भी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि रविवार 2 मई 2021 को अभिजीत सरकार नामक एक भाजपा कार्यकर्ता ने टीएमसी के गुंडों की हरकतों के बारे में बताया। उसके कुछ ही देर बाद उसकी हत्या कर दी गई। कहा जाता है कि अभिजीत सरकार ने फेसबुक लाइव के माध्यम से अपनी बात रखी थी। उन्हें पता भी नहीं था कि फेसबुक पर लाइव कैसे आते हैं, लेकिन उन्होंने किसी तरह वीडियो बनाया और बताया कि टीएमसी के गुंडे लगातार बमबारी कर रहे थे और उन्होंने उनके घर और दफ्तर को तहस नहस कर डाला। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही गलती है कि वो भाजपा कार्यकर्ता है। अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में सीबीआई ने जांच पूरी कर आरोपियों पर 50,000 के इनाम की घोषणा की है, पर ममता सरकार इस जांच रिपोर्ट के खिलाफ भी कोर्ट की शरण में जा चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दाखिल की गई है और याचिका में कहा गया है कि सीबीआई केंद्र के इशारे पर काम करती है, उससे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है और ये राष्ट्रीय जांच एजेंसी सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने में लगी है। पर चुनाव बाद बंगाल हिंसा के मामले में केवल सीबीआई ही नहीं बल्कि सिविल सोसाइटी ग्रुप की 5 सदस्य कमेटी ने अपनी रिपोर्ट गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी को सौंपी थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक कुछ बड़ी बातें सामने आई है। रिपोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार को हिंसा रोकने में फेल बताया गया है और पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर के अलावा पश्चिमी मेदिनीपुर, जलपाईगुड़ी और दक्षिण दिनाजपुर को हिंसा का केंद्र माना गया था और अब वही बीरभूम फिर हिंसा की कलंकित चर्चा में है। पश्चिम बंगाल की बीरभूम रामपुर हाट में टीएमसी नेता भादू शेख की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद हिंसा फैल गई। कहा जा रहा है कि यहां गुस्साई भीड़ ने करीब 1 दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा में 3 महिलाओं और 2 बच्चों सहित 8 लोगों की जलकर मौत हो गई, जिसको लेकर अब राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है। जहां एक तरफ टीएमसी अपने को सही साबित करने में लगी हुई है, यहां तक कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद उनकी पार्टी को बदनाम करने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं बीजेपी ने 4 रिटायर्ड IPS समेत 5 सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है जो अपनी रिपोर्ट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। इस भीभत्स घटना पर हिंसा में 8 लोगों को जिंदा जलाने की घटना पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने दुख व्यक्त किया था। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपना एक वीडियो ट्वीट करके लिखा था कि भयानक हिंसा और आगजनी की घटना संकेत दे रही है कि राज्य हिंसा की संस्कृति और जंगल राज के हवाले है। वहीं पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने तो सीधे राष्ट्रपति शासन की मांग कर डाली। खैर, मामला जो भी हो, जांच में तो सामने आएगा ही, पर एक बात तो साफ है कि पश्चिम बंगाल का रक्त रंजित इतिहास अब तक बदलने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार हो रही घटनाओं से स्पष्ट हो चुका है कि अब बंगाल को लेकर राज्य सरकार को कुछ कठोर कदम उठाने होंगे। तो आपने रिपोर्ट में देखा कि किस तरह की घटना हुई और जो बंगाल का इतिहास रहा है, पश्चिम बंगाल का, वो शुरुआत से ही रक्तरंजित रहा है। वहां की राजनीति दूसरी राजनीति ही कहेंगे, क्योंकि जो विपक्ष में होता है वो सरकार पर आरोप लगाता है, फिर जब विपक्ष सत्ता पक्ष पे आता है तो फिर दूसरा जो पार्टी होती है उस पर आरोप लगाती है। पर यहाँ पर खामियाजा भुगतती है आम जनता, क्योंकि जो मरने वाले होते हैं आम जनता से होते हैं। अभी जो 8 लोगों की मौत हुई है, जलकर मौत हुई है, बीभत्स घटना है, करुण घटना है, और यहाँ पर मारे गए हैं वो भी गरीब लोग,
वो भी वो लोग जिनका इस घटना से कोई सरोकार नहीं है, इन हिस्सा से कोई सरोकार नहीं है, पर उनको एक प्रतिशोध की भावना के तहत आके हवाले कर दिया गया। हालांकि मामला जांच के घेरे में है, पर जिस तरह से अन्य पार्टियां विपक्ष इसमें कूद चुके हैं, राजनीति हो रही है, इससे एक बात तो साफ है कि धुआं वही होता है जहां चिंगारी होती है। तो कहीं ना कहीं मामला संदिग्ध है, और जिस तरह से विपक्ष हावी हो रहा है, विपक्ष कह रहा है कि बंगाल सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, ममता बनर्जी एक तबके को ही प्रमोट कर रही हैं, उसी को बढ़ावा दे रही हैं, और विपक्ष के नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, और विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, और इसी कड़ी में लगातार धर्म विशेष के लोगों को बढ़ाने का और दूसरे वर्ग के लोगों को निशाना बनाने का एक जो चलन है वो चल पड़ा है। और सबसे बड़ी यहाँ विचारणीय बात यह है कि तमाम जो बुद्धिजीवी हमारे देश के हैं, जो तमाम बातें करते हैं और तमाम पदक लौटाने की बात करते हैं, तमाम चर्चा होते हैं, पर मेरी समझ में यह नहीं आता है कि जब बंगाल की बात होती है तो ये विपक्ष, ये लोग, ये बुद्धिजीवी लोग, ये बुद्धिजीवी वर्ग कहाँ चला जाता है? क्या वहाँ पर मानवाधिकार नहीं है? क्या वहाँ पर लोगों की हत्या नहीं है? क्या वहाँ पर जीवन का ह्रास नहीं हुआ है? पर यह बात समझ के परे है। अगर कोई घटना कश्मीर में होती है तो सारे लोग, चाहे वो देश की मीडिया हो, चाहे देश के विशेष पार्टियां हों, चाहे अन्य पार्टियां हों, सबके बयान आने शुरू हो जाते हैं, सबके ट्वीट आने शुरू हो जाती है। पर मैं देख रहा हूं कि इस बंगाल की हिंसा पे, जो अभी दोबारा हिंसा हुई है, इस पर अब तक कोई बड़े बयानबाजी नहीं हुई है। क्यों? क्या बयानबाजी का दौर केवल बीजेपी शासित राज्यों में होगा या जहां पर केंद्र सरकार का राज्य होगा वहां होगा? पर यहां पर अगर बंगाल की बात होती है तो बयानबाजी का दौर क्यों शुरू नहीं होता? केवल वहां पर विपक्ष ही अपनी भूमिका क्यों निभाए? हम लगातार देखते हैं, कोई भी मामला होता है तो विश्व स्तर पर जाता है, देश के स्तर पर जाता है। अभी हमने हाल में ही देखा जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, आपने देखा किस तरह से पूरे देश में जो है आग लगी हुई थी, पूरे देश में इसका विरोध चल रहा था, लगातार लोग इस पर लेके हमलावर हो रहे थे, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे। और उत्तर प्रदेश से जो लखीमपुर कांड हो, तिकुनिया कांड हो, तो उसको लेकर भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। उसके पहले एक घटना और हुई थी हाथरस में, उसमें भी हमने देखा था कि लगातार उसको लेके विपक्ष राजनीति कर रहा था। तो फिर राजनीति केवल केंद्र उत्तर प्रदेश ही क्यों? राजनीति का केंद्र पश्चिम बंगाल क्यों नहीं होता है? पश्चिम बंगाल को लेकर अब तक केंद्र के बड़े नेताओं का बयान क्यों नहीं आए हैं? क्या ये घटना नहीं है क्या? वहाँ पर 8 लोग जो मारे गए हैं, जलकर मरे हैं, उनका कोई सरोकार नहीं है? क्या वो देश के नागरिक नहीं थे? क्या उनमें जीवात्मा नहीं थी? पर यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं है, चूंकि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार दूसरी है, वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं होगा, वहाँ पर मानवाधिकार की बात नहीं होगी, वहाँ पर मौलिक अधिकारों की बात नहीं होगी। हमने इससे पहले भी देखा था जब 2 मई 2021 को पश्चिम बंगाल चुनाव के परिणाम आए थे, उसके बाद ही वहाँ पर हिंसा होनी शुरू हो गई थी और लोग मारे गए थे, दुकानें लूटी गई थी, घरों को निशाना बनाया गया था, बलात्कार जैसी तमाम घटनाएं वहाँ पर हुई थी। पर उस समय भी देश के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी पार्टियाँ केवल शांत बैठी थी और अपनी भूमिका केवल विपक्ष निभाता नजर आ रहा था। किसी भी पार्टी के बड़े नेताओं का कोई बयानबाजी नहीं होती। बयानबाजी होती है तो केवल उत्तर प्रदेश को लेकर, बयानबाजी होती है तो बीजेपी शासित प्रदेशों को लेकर। पर जहां पर अन्य घटनाएं होती हैं, चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, वहां पर भी घटना होती, पर उसको लेकर बयानबाजी क्यों नहीं होती? बंगाल को लेकर पहले भी घटनाएं हुई, बंगाल का इतिहास रक्त रंजित रहा है। मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में वहां पर राजनीतिक हत्याएं शुरू से होती चली आ रही हैं, चाहे वो लेफ्ट का शासन राज हो या ममता बनर्जी सरकार रही हो। पर यहां पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि बीजेपी इस बार मुख्य विपक्ष के रूप में सामने है और वो लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग भी कर रही है। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने इस घटना को लेकर अपनी 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जिसमें पूर्व डीजीपी भी शामिल है। वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे जेपी नड्डा को, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी के। पर कहीं ना कहीं एक बात बिल्कुल स्पष्ट साफ होती है कि हमारे देश में भी जो पक्षपात का जो राजनीति है वो एक धरे पर है कि हमको कहाँ पर किस घटना को ऊंचा पहुंचाना है, किस घटना को आग लगानी, किस घटना में हमको अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, बाकी सब किनारे। हम देख रहे हैं लखीमपुर तिकुनिया कांड हुआ था तो किस तरह से होड़ मच गई थी कि पंजाब से भी मुख्यमंत्री आ रहे थे और वो भी आ रहे थे और छत्तीसगढ़ से भी आ रहे थे और तमाम लोगों के विचार आ रहे थे और सब लोग वहाँ पहुँच रहे थे और बता रहे थे कि हम किसानों के साथ हैं। पर घटना अगर वहाँ पर भी अगर मृत्यु हुई थी और यहाँ पर भी मृत्यु हुई, यहाँ पर भी 2 महिलाएं 3 बच्चों सहित 8 लोग जल के जिंदा मरे हैं, जिंदा जल गए और उनकी मौत हो गई, पर यहाँ पर अब तक किसी की बयानबाजी क्यों नहीं हुई है? अब तक वहाँ क्यों लोग नहीं पहुँच रहे हैं? अब तक उस मामले को देश की बड़ी पार्टी ने संज्ञान में क्यों नहीं लिया है?
क्या केवल यह भूमिका केवल विपक्ष निभाएगा या इसकी जवाबदेही केवल ममता सरकार की है? यहां पर जवाबदेही हर उस पार्टी की है जो इस देश में अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग बातों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर में भाग लेते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। पर यहां पर जब घटना बंगाल की होती है तो वहां पर पक्षपातपूर्ण भेदभाव किया जाता है और हम देख रहे हैं लगातार कि कोई बयानबाजी का दौर नहीं है, कोई मानवाधिकार आयोग में इसकी चिंता नहीं है, कोई लगातार इसको लेकर प्रदर्शन नहीं कर रहा है। पर अगर यही घटना उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मणिपुर में, गोवा में या अन्य राज्यों में होती तो इस समय इसमें बवाल मच रहा होता और सभी लोग, बड़े बड़े राजनीतिक प्रवक्ता, बड़े बड़े राजनीतिक दल इसमें आग में कूद जाते और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे होते। पर सबसे बड़ी बात है कि वो बंगाल को लेके उनका मन कटे भी पिघलने वाला नहीं है। बंगाल में टीएमसी की सरकार है और टीएमसी सरकार होने के कारण उनका एक जुड़ाव है। उनका मानना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष रहेगा हम उसके विपक्ष में नहीं कूदेंगे। बात तो स्पष्ट दिख रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं पहले भी हिंसा हुई थी और उस पहले हिंसा में भी कितने बयान आए थे, बलात्कार हुए, दुकानें लूटी गई, घर लूटे गए, मारपीट हुई, हत्याएं हुई, उसके बावजूद भी कोई यहां पर घटनाक्रम नहीं हुआ, कोई आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं हुआ और छाया रहा केवल सन्नाटा। आवाज उठाई तो केवल जिसकी पार्टी के लोगों का नुकसान हुआ और वो तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी थी बीजेपी की तो उठाएगी, पर यहाँ पर अन्य लोग जो अन्य पार्टियाँ हैं, अन्य पार्टी के प्रवक्ता हैं, अन्य पार्टी के लोग हैं, उनका केवल मुंह पर केवल एक पुस रहा, मौन। तो ये मौन शब्द केवल बंगाल के लिए ही क्यों होता है? अन्य जगहों के लिए मौन क्यों नहीं होता? अन्य बातों के लिए पुरस्कार वापसी क्यों नहीं होते? अन्य घटनाक्रम पे मानव की आवाज क्यों नहीं जगाई जाती है? मानवाधिकार मीडिया को क्यों नहीं कहा जाता है? केवल और केवल व्यक्ति विशेष, केवल केवल राज्य विशेष को लेकर यहाँ पर माहौल बनाया जाता है कि अगर इस राज्य में कोई घटना हुई है तो उसकी घटना का सीधा संबंध केंद्र सरकार से सीधा संबंध, देश के परिणाम से सीधा संबंध देश के सरोकार है। पर यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि अगर घटना पश्चिम बंगाल में होती तो इसकी पुनरावृत्ति क्यों हो रही है? क्यों अन्य पार्टियां इसका विरोध नहीं करती? केवल इसकी ठीकरा पश्चिम बंगाल सरकार पर फोड़ दिया जाता है, इसका ठीकरा, इसका जो विरोध का जो जिम्मेदारी है वो केवल भारतीय जनता पार्टी क्यों निभा रही है? अगर बंगाल में कायम जंगल राज कायम हुआ है जैसा कि वहां के राज्यपाल जगदीप धनखड़ बोल रहे हैं तो फिर वहां पर अन्य पार्टियां विरोध क्यों नहीं कर रही हैं? क्यों वहां बता नहीं रही? क्यों जांच का मुद्दा बनाए हुए हैं? क्यों अब तक उनके कोई बयानबाजी नहीं आई है? क्या वहां के लोग आपके नागरिक नहीं है? क्या वहां के लोग देश के नागरिक नहीं है कि वहां के लोग आपके लोग नहीं है? पर यहां पर केवल केवल पक्षपातपूर्ण राजनीति होती है और जिसका खामियाजा हमेशा बंगाल में भुगतना होता है। बंगाल की दूसरी राजनीति का ही परिणाम है कि वहां पर लगातार लोग एक दूसरी राजनीति के मारे जा रहे हैं और प्रतिशोध की राजनीति, इसको बोलेंगे प्रतिशोध की राजनीति, इसलिए बोलेंगे क्योंकि प्रतिशोध की राजनीति के तहत ही वहां पर सत्ता पक्ष की पार्टी और विपक्ष की पार्टी में एक रस्साकसी का दौर जारी रहता है और जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है, आम जनता जो उनके कार्यकर्ता भुगत रहे हैं। और ये चलन आज से नहीं है, ये चलन दशकों पुराना है। अगर चलन की बात करें तो पिछले 40-45 साल से ये चलन लगातार चला आ रहा है और यहाँ तक कि मैंने आपको बताया कि जानकारी के अनुसार 1977 से लेकर 2007 तक लगभग 28,000 राजनीतिक हत्याएं पश्चिम बंगाल में हुई हैं। उसके बाद से हम लगातार 15 साल और हो चुके हैं और 15 साल के बावजूद भी अब तक जिस तरह से वहाँ हिंसा हो रही है निश्चित रूप से एक बार स्पष्ट करता है कि पश्चिम बंगाल का इतिहास रक्त रंजित रहा है और रक्त रंजित इतिहास के कारण ही वहाँ पर मानवाधिकार की जो कोई वैल्यू नहीं है, कोई मूल्य नहीं रह गया है, मौलिक अधिकार का कोई मूल्य नहीं रह गया क्योंकि वहाँ पर विरोध करने वाला कोई है नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे देश में जो है पक्षपातपूर्ण राजनीति हो चुकी है, जो हमारे विपक्ष का विपक्ष है उसके विपक्ष में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। मैं पूछना चाहता हूं तमाम उन लोगों से जो पश्चिम बंगाल की उस समय की हिंसा यानी 2 मई 2021 की हिंसा पर भी चुप थे और अब आज बीरभूम में जो हिंसा हुई है 8 लोग जिंदा जलकर मर गए हैं उस हिंसा पर भी चुप हैं, अब तक बयानबाजी क्यों नहीं आई है? क्योंकि उनका कहना यह है कि हम विपक्ष के विपक्ष में नहीं जाएंगे और हमारा एक ही टारगेट है, हमारा एक ही लक्ष्य है कि जहां पर जिसकी सरकार है उस सरकार का विरोध करना है, खासतौर से बीजेपी सरकार का विरोध करना है और अन्य सरकारों का जो चल रही है उनका विरोध कतई नहीं करना है। जो भी भारतीय जनता पार्टी सरकार को हराएगा या उससे टक्कर लेगा उसका विरोध हमको नहीं करने जाना है और एक चलन सा चल पड़ा है। अगर कोई घटना
राजस्थान में होती है उस पर कोई बयानबाजी नहीं होती, उस पर कोई संज्ञान नहीं लेता है। कोई घटना छत्तीसगढ़ में होती है कोई संज्ञान लेता है, अगर वही घटना उत्तर प्रदेश में होती है मध्य प्रदेश में होती है तो सारे लोग उस पर संज्ञान लेते हैं, उस पर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकते हैं। और रात रात को जाते हमने देखा है पुरानी घटनाओं में, आपने देखा होगा सबको जिस बार की जानकारी है कि लखीमपुर में कांड हुआ था किस तरह लोग बच बचा के पुलिस सुरक्षा से उसको चकमा दे के गिरफ्तार भी कर लिए गए, वहाँ पहुँच रहे थे और बता रहे थे कि हम उन लोगों के साथ हैं। पर इन वीरभूम में लोगों के साथ कौन है ये प्रश्न है कि वीरभूम में जो लोग मरे हैं उनके परिवारों के साथ कौन है? क्या देश के बड़े दल वहां जाएंगे? क्या देश के बड़े नाम रखने वाले बड़े व्यक्ति राजनीतिक व्यक्ति वहां पर जाएंगे? क्या बताएंगे कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं? अगर उनके साथ हैं तो उनके साथ जाइए। और अगर आपको एक राजनीतिक हैसियत आप रखते हैं तो सबसे पहले आपको एक राजनीतिक हैसियत में भाव एक समान करना होगा, आपके लिए सारे लोग बराबर होने चाहिए। अगर कोई घटना होनी चाहिए चाहे वो आपके राज्य में हो या दूसरे राज्य में हो, आपको निष्पक्ष रूप से जांच करानी चाहिए। और अगर वो घटना में किसी सरकार का फेलियर रहा है तो निश्चित रूप से आपको उसका विरोध करना चाहिए, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है और आपका ये राजधर्म भी है। क्योंकि अगर आप राजनीति में हैं जनता आपकी है और आपका राजधर्म यही है कि आपको हर गलत चीज़ का विरोध करना चाहिए, चाहे विरोध आपके पक्ष की सरकार का हो, चाहे सत्ता पक्ष की सरकार का हो, चाहे विपक्ष का हो। पर यहाँ पर हम लगातार देखते आ रहे हैं कि अगर अन्य राज्यों की बात होती है तो अन्य बड़े बड़े नाम हैं बोन में केवल मौन छा जाता है, वो कुछ नहीं बोलना चाहते और ना ही इस घटना को संज्ञान लेते हैं, और कुछ समय बाद ये घटना फिर सन्नाटे में चली जाती है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके लिए सारे लोग बराबर हैं। अगर कहीं घटना होती है, अगर कहीं पर हिंसा होती है तो आप हिंसा के विरोध करिए, क्योंकि अगर कोई हिंसा होती है सबसे पहले वहां पर हो जाती है तो क्या जाती है? मानव जाति का हास नुकसान होता है, मानव जाति को जान जाती है, मानव जाति के लोगों की। तो इस घटना को आपको समझना भी है, इस घटना को आपको विरोध भी करना है, और जब तक आप सरकारों को चिताएंगे नहीं तब तक इस तरह की घटना होती रहेंगी, और पश्चिम बंगाल का जो रक्तरंजित इतिहास है वो बदलने का नाम नहीं लेगा। इसलिए अगर हमको पश्चिम बंगाल के इतिहास को बदलना है, अगर हमको चाहिए है कि पश्चिम बंगाल में भी देश का जो शांति फैली हुई है वैसी शांति फैले, वहाँ पर हिंसा ना हो, वहाँ पर लोगों को अनावश्यक रूप से जान न गंवानी पड़े, तो निश्चित रूप से हमको एक रवैया अपनाना पड़ेगा, हमको विरोध करना पड़ेगा, हमको पक्षपातपूर्ण मौन छोड़कर एक प्रकार से विरोध भी करना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा कि आप अगर अपने सरकार को चलाने फेलियर हैं तो आप सरकार छोड़ दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। पर अगर आप चाहते हैं, आप सरकार की कुर्सी बैठना चाहते हैं, सत्ता की सबसे बड़ी कुर्सी बैठना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सरकार के रूप में काम करना पड़ेगा, समान भाव से देखना पड़ेगा, घटनाओं को रोकना पड़ेगा, और जो इसमें दोषी लोग हैं उनको कड़े रूप से दंडित करना पड़ेगा। जब तक आप दंड नहीं देंगे तब तक इस तरह की घटनाओं में इजाफा होता रहेगा। एक बार कहीं दंड हो ना पीत, जब तक आप दंड नहीं देंगे तब तक किसी भी तरह की घटनाओं को रोकना संभव होना आज के दौर में संभव नहीं है। तो इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है उसका सीधा सीधा खामियाजा जनता को करना पड़ रहा है, और विपक्ष की भूमिका भी जरूरी है, और विपक्ष को भी बेहतर काम करना है, क्योंकि अगर आप विरोध नहीं करेंगे तो इस तरह की घटनाओं में इजाफा होता रहेगा। और साथ ही साथ ममता बनर्जी सरकार जो कभी लेफ्ट पर आरोप लगाती थी कि आपकी सरकार में आपके जगह पर लोग मारे जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, अब वही ममता बनर्जी सरकार इस समय पश्चिम बंगाल की सत्ता की कुर्सी पर काबिज है, और वहाँ पर लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहाँ पर लगातार हिंसा हो रहा है। और अभी हिंसा का दौर तो हमने देखा है कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के परिणाम 2 मई को आए थे उसके बाद वहाँ पर हिंसा का दौर चल पड़ा था जो बहुत मुश्किल से ठंडा हुआ था, और एक बार फिर हिंसा का दौर दोबारा शुरू हो गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से बंगाल का इतिहास कलंकित रहा है, अगर हमको इस बंगाल के इतिहास को बदलना है तो हमको निश्चित रूप से एक मानव की तरह, एक समझबूझ की तरह, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व की तरह हर तमाम उन घटनाओं को समझना पड़ेगा और उन घटनाओं की जड़ तक जाना पड़ेगा। और इसमें जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार की भी है कि अगर आपको इस तरह की घटना रोकना है तो निश्चित रूप से आपको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, और साथ ही साथ तमाम देश के प्रभावशाली लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप हर घटना पर विरोध करते हैं, आप हर घटना पर ट्वीट करते हैं, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपकी एक राजनीतिक जिम्मेदारी है कि आप इस घटना को भी समझें और इस घटना पर भी अपना विरोध करें, तभी सरकार दबाव में आएगी, तभी
सरकार कुछ बेहतर काम करेगी, तभी सरकार कुछ कदम उठाएगी जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो सके और पश्चिम बंगाल जिसका इतिहास रक्त रंजित रहा है उसका इतिहास इस बार बदल सके और बदलने की शुरुआत हो सके। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।